और आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। प्याज कारोबारी और आरजेडी नेता पप्पू, आपको बता दें प्याज कारोबारी और आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने फतुहा रेलवे क्रॉसिंग के पास ये जो शख्स हैं पप्पू यादव, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है और अस्पताल ले जाते वक्त पप्पू यादव की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना में प्याज कारोबारी की हत्या। ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। प्याज कारोबारी आरजेडी नेता बताया जा रहा है पप्पू यादव, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने फतुहा रेलवे क्रॉसिंग के पास पप्पू यादव को गोली मारी और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, किसने गोली मारी, कौन लोग हैं इस वारदात के पीछे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? अभी फिलहाल तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। दरअसल ये प्याज के व्यवसायी थे यहाँ पर फतुहा में, और आरजेडी से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन इनका कुछ इतिहास भी रहा है इस तरह का, जिस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कोई जी। प्रकाश, आपकी आवाज़ हमसे हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रकाश हमें ये जानकारी देते हुए कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा हुआ है इन्होंने, प्याज कारोबारी रहे हैं, और किन लोगों का इस हत्या के पीछे हाथ है अभी इस बारे में तफ्तीश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल फतुहा रेलवे क्रॉसिंग के पास प्याज कारोबारी और आरजेडी नेता पप्पू यादव की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। गोली मारी गई और उसके बाद आन फान में पप्पू यादव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।